दोस्तों एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली Redmi 9 Prime डिवाइस के लिए काफ़ी ढेर सारे लोग नए अपडेट के बारे में पूछ रहे थे कि Redmi 9 Prime डिवाइस में जो नया अपडेट है वो कब तक देखने को मिलेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी ढेर सारे मैसेजेस आते थे, साथ में हमारे वीडियोज़ के जो कमेंट होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी लोग कमेंट करते थे कि Redmi 9 Prime डिवाइस में जो नया अपडेट है वो कब तक देखने को मिलेगा। सो गाइस फाइनली Redmi 9 Prime डिवाइस के लिए जो नया अपडेट है वो कल शाम को 10 बजे रिलीज़ किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, जिसका वर्जन है 12.0.3.0 और ये इंडिया में रिलीज़ किया गया है, जिसका साइज 439 MB, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग अपडेट नहीं किए हैं तो अभी आप लोगों को सिंपली सेटिंग ओपन कर लेना है, अबाउट फोन में जाना है, MIUI वर्जन पर क्लिक करके यहाँ पर जो अपडेट है शो कर जाएगा, वहाँ पर आप लोग को अपडेट कर लेना है। अगर वहाँ पर अपडेट शो नहीं हो रहा तो इस अपडेट का जो OTF फाइल का लिंक है और रिकवरी रूम फाइल का लिंक है उसका जो डाउनलोड लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल सिमजी पर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को सिंपली टेलीग्राम पर टेक्निकल सिमजी सर्च करके अपने डिवाइस में OTF फाइल से या फिर रिकवरी रूम फाइल से अपडेट कर लेना है। सो गाइस फाइनली यही था आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो लोग Redmi 9 Prime डिवाइस को यूज करते हैं मत भूलिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस अपडेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इस अपडेट का फुल रिव्यू का वीडियो, फुल चेंज लॉक का वीडियो देखना है तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा।